परम पिता परमात्मा ने सृष्टि पर मनुष्य का सृजन इसीलिए किया कि वह सत्य कार्य और सत्य कर्म कर अपने जीवन को सार्थक बनाए। कुछ कर्मयोगी शख्सियतें ऐसी भी हैं जो सत्य कर्म और सेवा का कार्य कर अपना जीवन तो सार्थक बनाते ही हैं, बल्कि अन्य लोगों को प्रभु से साक्षात्कार कराने का मार्ग प्रशस्त कर उनका जीवन भी सफल बना देते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत रही हैं माता रुक्मणी देवी। जिन्होंने अपने समस्त जीवन में सेवा और परमार्थ के कार्य कर सबका भला चाहा, वे सदैव कहा करती थी, पहरी सब जो भलो तय सदके असांजो भलो। वे भक्त थी भोले बाबा की, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की। भगवान शिव का ये मंत्र उनकी जुबां पर सदैव रहता था, ओम नमः शिवाय। भोले का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का भी प्यार दीवाना लगता है। भोले का दरबार सुहाना लगता है, रुक्मणी माता के जब मेला लगता है। शंकर को भोले को भोले को कहते मैं मनाऊ रे मेरा भोला रमा, भोले को कैसे रे मनाऊ रे मेरा भोला रमा, भोले को कैसे रे मनाऊ रे मेरा भोला रमा। अपने जीवन में 16 सोमवार के व्रत रख उद्यापन किए। उनके इस आध्यात्मिक भक्ति भाव को देखकर असंख्य लोगों को प्रेरणा मिलती रही। आज भी उनके आशीर्वाद से स्थापित की गई माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था प्रति वर्ष 16 सोमवार व्रत व उद्यापन कार्यक्रम का आयोजन करती है। याद करे थी दुनिया शिवजी हुई पुजारी, याद करे थी दुनिया भोलेनाथ जी पुजारी, देव तुम्हें देव सखी माता रुक्मणी देवी प्यारी, जय शिव भोले जय शिव भोले भोले। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3 नवंबर 2016 गुरुवार को संस्था की ओर से 54वां स्वर्ण जयंती उद्यापन महोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह शिवपाल की कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जरूरतमंद माताओं की सेवा की जाएगी। दोपहर को शिवलिंग महाअभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात 16 सोमवार मनसा वाचा व्रत कथा का आयोजन कर महाआरती की जाएगी। शाम 6 बजे उद्यापन दिवस व गुण गौरव पुरस्कार का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान देने वाले गणमान्यों का अभिनंदन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस सुनहरे अवसर पर पधारेंगे सभी संतगण, फिल्मी हस्तियां। मैं अब तक हनुमान भक्त था, कुछ ही समय के अंतराल में मैं शिव भक्त बन गया हूं, और मुझे खुशी हुई है कि यहां पर शिव जी के जितने मंदिर है मैंने कहीं नहीं देखे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हस्तिनापुर के बाद में अगर कोई धार्मिक सिटी है तो उसका नाम है उल्लास। सांसद, मंत्री, नेता, नगर सेवक, शहर के प्रमुख संस्थाओं के गणमान्य, वह सभी भोलेनाथ के भक्त, माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की ओर से आप सभी शहरवासियों से यह विनम्र विनंती की जाती है कि 3 नवंबर 2016 के इस महा उत्सव में माता रुक्मणी देवी मार्ग झूलेलाल मंदिर के पीछे उल्हासनगर 1 में जरूर पधारें और संतों का आशीर्वाद लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। भोले की फौज करेगी मौज।